किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे गेहूं के फायदे के बारे में। गेहूं के आटे में शक्कर और दूध मिलाकर पीने से नकसीर आना बंद होता है। 20 ग्राम गेहूं, 1 ग्राम सेंधा नमक, 250 ग्राम पानी में उबालकर 1/3 पानी शेष रहने पर छानकर पीने से खांसी ठीक हो जाती है। गेहूं और चनों को उबालकर पानी का सेवन करते रहने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी गलकर निकल जाती है। गेहूं के आटे में समान मात्रा में बोरिक एसिड पाउडर मिलाकर पानी डालकर गोलियां बनाकर गेहूं की टंकी में दबाने से कीड़े और कॉकरोच नहीं आते। 1/2 लीटर पानी में 1/6 गेहूं को भिगोकर रात में रख दें। प्रातःकाल महीन पीसकर कपड़े से छानकर 10 ग्राम शक्कर मिलाकर कुछ दिन पीते रहने से प्रमेह रोग ठीक हो जाता है। 10 ग्राम गेहूं 250 ग्राम पानी में भिगोकर रात में रख दें। प्रातःकाल छानकर पानी में 25 ग्राम मिश्री मिलाकर पीते रहने से मूत्र की जलन में लाभ होता है। एक तरफ से सीकी हुई गेहूं की रोटी तथा 100 ग्राम गेहूं रात में पानी में भिगोकर प्रातःकाल पानी में गेहूं को घिसकर चीनी मिलाकर लस्सी बना लें। इस लस्सी का सेवन करने से पेशाब के साथ वीर्य आना बंद हो जाता है। गेहूं के आटे में पानी मिलाकर लेप करने से चर्म की दाह, खुजली, टीस वाले फोड़े, अग्नि से जले घाव ठीक हो जाते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।